इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। शो का बाकायदा आगाज़ करते हुए जनाब डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, आपकी जानेब आता हूँ। मसला कुछ ऐसा है कि जनाब हुकूमत कहती है कि शरह नमू 3.94% हो गई। ये जितनी बातें आप माजी में करते रहे, ये उन सब की नफी हो चुकी। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप नोबेल फाउंडेशन को ख़त लिखें और हुकूमत पाकिस्तान के सेक्रेटरी फाइनेंस और शोबा फाइनेंस के लिए नोबेल प्राइज़ के लिए हमें नॉमिनेट किया जाए, क्योंकि जहां सारी दुनिया ने हमें मनफी रेटिंग दी, कहा ये कभी मनफी से ऊपर नहीं उठ सकेंगे और वर्ल्ड के सारे इदारे गलत हो गए। वर्ल्ड बैंक, उसमें लाइन लगी हुई है पीएचडीज की, जो कि आईवी लीग और दुनिया की टॉप इंस्टीट्यूशन से, उन्होंने कहा पाकिस्तान की ग्रोथ रेट माइनस होगी। IMF, जिनके बहुत सारे जो है PhDs वहाँ पर काम करते हैं, उनकी बहुत बड़ी शोबा तहकीक है दुनिया में, वो एक्सपर्ट तस्वर किए जाते हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान की शरह नमू अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के शोबा फाइनेंस और हमारे शोबा तहकीक के दीगर इदारों ने साबित करके दिखा दिया कि वर्ल्ड बैंक क्या चीज़ है, IMF क्या चीज़ है और दुनिया जहाँ के इदारे क्या चीज़ हैं। हम तरक्की करना जानते हैं 3.94%। आप आज ही जाकर खत लिखें और नोबेल प्राइज़ के लिए, पाकिस्तान के शोबा फाइनेंस के लिए नोबेल प्राइज रिक्वेस्ट करें। जी, थैंक यू वेरी मच अली भाई। मसला ये है कि ये जो जिस तरह टारगेट सेट होते हैं पाकिस्तान में, ये सबको पता है। ये अगर आप, मैं आपको बताऊं कि ये 8% भी ग्रोथ रेट हो सकती है। सबसे पहले तो ज़रा इसकी आज चले एनाटॉमी करते हैं, इसके ज़रा ऑपरेशन करते हैं कि ये 4% या 3.94% टारगेट गवर्नमेंट ने कैसे सेट किया और क्या ये वाकई टारगेट सेट नहीं, अचीव नहीं। आप देखें सेट, इस देखें लव सेट इस्तेमाल करें। देखें, मैं अचीव की तो बात ही नहीं कर रहा। हुआ ये कि जो लास्ट ईयर जो बेस था आपका, ग्रोथ को किस तरह मेजर कर रहे हैं, पिछले साल के मुकाबले में इस साल हम कितनी हमारी बढ़ोतरी हुई, यही आपका ग्रोथ रेट है। सही। तो पिछले साल अगर आपकी चीज एक माइनस में थी, इस साल अगर आप 1% भी ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली, अगर पिछले साल -2 थे, इस साल आपने 1% ग्रो किया, टेक्निकली फिजिकली 1% ग्रो किया, तो आप तो वैसे 3% ग्रो कर गए। तो कहने का मकसद ये है कि जो आपने बेस लाइन सेट की थी, या बेस लाइन जो आपने सेट की है, वो बेस लाइन ही लो थी, वो बेस लाइन ही नॉर्मल बेस लाइन नहीं है, जिसकी वजह से ग्रोथ का जो फिगर्स बड़े होना ग्रोथ का, ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। हम बात करते हैं रियल GDP की, ठीक है, और जो रियल आपकी ग्रोथ इन प्रोडक्ट्स है, मैं प्राइसेस के लेवल पे बात नहीं कर रहा, आपकी आउटपुट की बात करते हैं कि पाकिस्तान की पहले आउटपुट कितनी थी 2019, मैं कहूंगा कि आप 2018-19 से कंपेयर कर लें, 2020 को चले रहने दें। तो पाकिस्तान की जो रियल जो आउटपुट है, वो शायद 1 या 1.5% से ज़्यादा की नहीं है। ये भी मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक वो आपको फिगर्स बता रहा हूँ। अब जहाँ तक बात रही कि ये ग्रोथ का क्लेम, और ये ग्रोथ ने दूध की नहर और शहद की नहर, जो कि इस्लामाबाद से चली है, कराची में आने वाली है, बजट तक पहुंच जाएगी, वो जो नहरें भाई हैं, उस नहरों के पीछे क्या, कौन से वो मेजर फैक्टर्स थे? गवर्नमेंट ने 2-3 बड़े सेक्टर्स को फोकस किया ग्रोथ के लिए। सबसे जो मेजर फोकस था उनका रियल इस्टेट था, और उसके साथ कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे। क्या पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है, गवर्नमेंट ये अभी भी कह रही है कि जी एक्सपोर्ट बढ़ गई, पिछले लेवल से आगे बढ़ी है, आपकी एक्सपोर्ट अभी भी $21 बिलियन है, क्या उस ग्रोथ ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में कॉन्ट्रीब्यूट किया? देखें, आप मान नहीं रहे बात, देखें, अच्छा, मैं चाह रहा था ना कि आप जीरा ना करें, आप मान लें आंखें बंद करके। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया मान रही है तो आप भी मान लें, हम वो वाहिद कौम है, या शायद हम उन नेशंस में से हैं जो कि अल्फाज का हेरा फेरी करके, अल्फाज की और हिंसों का जोड़ तोड़ करके आवाम को खुश करते हैं, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि शरोज़ ख़ान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, तजिया कार हैं शरोज़ साहब।
शहरुख साहब, आपने मुख्तसर गुफ्तगू तो हमारी सुनी, मैं चाहूंगा आप भी इस मामले पर अपना एक जायजा पेश करें जी और अपनी राय दें। देखें, इस बार जो हमारे स्टेट्स के जो फिगर्स हैं, तो इसमें ऑब्वियसली हमने डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ देखी, हमने एग्रीकल्चर पे देखी, हमने इंडस्ट्रियल पे देखी, हमने सर्विस सेक्टर के अंदर देखी है। और मेरे मुताबिक जो हमारी जो रिसर्च टीम है और जो हमने रिसर्च की, तो जो 3.94% की जो ग्रोथ है, तो जब ये आपके इसके रिवाइज एस्टिमेट आएंगे तो इंशाल्लाह इसकी जो ग्रोथ होगी वो 3.94% से हमें ज्यादा ही इसमें दिखाई देती है। अच्छा, इसकी बुनियादी वजह जो डॉक्टर साहब ने भी फरमाई के जो हमने दिन जो गवर्नमेंट ने डिफरेंट सेक्टर्स को अपॉइंट किया, तो उसमें एक सेक्टर ऐसा भी है जो कि कंस्ट्रक्शन है, जिसमें आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को अपने कुछ से पाकिस्तान को नेगेटिव मतलब ग्रोथ रेट बताया था, जो कि दुनिया के बहुत सारी देशों की जीडीपी ऑब्वियसली बताती हैं। जैसे भारत की जीडीपी 2021 चल रहा है, उसमें भारत को दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री दिखाया गया था, लेकिन वो दिखाया गया था कोरोना आने से पहले। भारत की जो ग्रोथ रेट थी वो लगभग 12% थी, लेकिन आपको पता है कोरोना आने के बाद हमारी इकोनॉमी का डेफिनेटली नीचे जाना पक्का है, क्योंकि लगभग 2 महीने से सारी फैक्ट्रियां बंद हैं। और ये अब जो नई उनकी रेटिंग आएगी उसमें पता चल जाएगा, लेकिन उस कोरोना पेंडेमिक मतलब जो भारत में सेकेंड वेव आई थी, उससे पहले डेफिनेटली भारत को सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री दिखाया गया था दुनिया भर में। तो दोस्तों, जो पाकिस्तान की इस समय जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के द्वारा दिखाई जा रही है, उसको लेकर पाकिस्तान में काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा है। और पाकिस्तान के जो पुराने मतलब जो स्टेट बैंक के जो अधिकारी वगैरह हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये मतलब टेम्पर किया गया है, जानबूझकर इमरान खान ने ऐसा किया है। तो इसी को लेकर इस एंकर ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जोक बनाया है कि दुनिया की सारी एजेंसियाँ बता रही हैं कि आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट ये होगी, और आप अपने ही तरीके से बताया जा रहा हो ये होगी। इंडिया में भी ऐसा किया गया था, लेकिन इंडिया में आपको बता दें कि मूडीज़, जो आपको भी पता है बाहर की हैं ये एजेंसियां और ये डिसाइड करती हैं, वर्ल्ड बैंक ये सब डिसाइड करती हैं, उन्होंने जब भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को हाई बताया था 2019 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे कांग्रेस ने भी बोला था कि ये जीडीपी जो ग्रोथ रेट है ये फेक है। तो ये हर दुनिया की कंट्री में होता है, सब भारत में भी होता है, आपको भी पता है। तो गाइज, इस एंकर का जो अंदाज़ है वो डेफिनेटली आपको मज़ा आया होगा इसको देखकर। ये स्पेशली ये वाले शो करता है, अगर ये पॉलिटिकल वाले शो कर दे तो ये आग लगा देगा। तो दोस्तों, अभी सिचुएशन ये है कि भारत की जीडीपी तो बहुत इफ़ेक्ट हुई है कोरोना की वजह से, और अब कोरोना की जो सेकंड वेव है नीचे जा रही है, लेकिन अभी भी लॉकडाउन वैसा नहीं खुला है, आपको भी पता है। उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन खुलेगा, आप सब वैक्सीन लगवाएंगे और देश फिर से फाइट बैक करेगा, और हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट एक बार फिर से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, और हम फिर से उसी ट्रैक पर वापस आएंगे। क्योंकि आपको भी पता है, चाइना के अलावा दुनिया की सारे देशों की जीडीपी की बैंड बजी है जब से कोरोना आया है। चाइना के कुछ नंबर्स पता ही नहीं चल रहे हैं, चाइना के पास या तो पहले से कुछ एंटीडोट है या एंटीबायोटिक है कोरोना की इनके पास। जिस तरीके से यहाँ के जो इमेजेस आते हैं कि इनका सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो चाइना को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन कोरोना ने सबसे पहले जो फर्स्ट जब कोरोना आया था तो यूरोप को तोड़ा था, फिर उसके बाद यूएस का नंबर आया था, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और जो भी अफ्रीकन कंट्री में, तो कोरोना का साउथ अफ्रीका जैसे देशों में बहुत इफ़ेक्ट पड़ा था। बाकी जो अफ्रीका के जो ऐसे देश हैं जहाँ पर ऑब्वियसली जो बहुत ही मतलब अंडर डेवलप कंट्री है, वहाँ पर कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा इससे दुनिया को कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो सेकंड वेव में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा वो इंडिया को पड़ा, और इंडिया भी अब सेकंड वेव से निकल रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव आए ना, हम वैक्सीनेट हो जाएं और फिर से हमारी जो कंट्री है ग्रोथ रेट के मामले पर वहीं पहुँचे, और हम उसी राह पर चलें जिस राह पर हम चल रहे हैं पिछले 3-4 साल से। तो गाइज, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।